कलर्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात डिस्कस हो रही है कि जी हाउ टू स्पेसिफाई कलर्स, कलर को लगाना कैसे, CSS के अंदर अगर कलर लगाने की ज़रूरत पड़ जाए तो कैसे लगाना होता है। अच्छा, कलर की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात होगी यहाँ पे कि जी कलर की जब हम बात कर रहे होते हैं HTML के अंदर और CSS के अंदर, तो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी टर्म्स जो उन्होंने बनाई हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। वैसे तो मतलब कलर हमें बोलना होता है तो हम क्या बोलते हैं कि जी रेड कलर है या येलो कलर है, लेकिन इसमें रेड येलो के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो डेवलपर्स के मतलब की चीज़ें हैं। ज़ाहिर है वो आम बंदे को वो चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो वो टर्मिनोलॉजीज़ हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, स्टिल कलर डिज़ाइन करना हमारा काम नहीं होता, वो डिज़ाइनर का काम होता है, लेकिन हमें जब तक वो टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी तो हम डिज़ाइनर से बात कैसे करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे वो बातें हो रही हैं, टर्मिनोलॉजी बनी। कह रहे हैं कि जी कलर कैन रियली ब्रिंग योर पेज टू लाइफ, कलर आपके पेज में जान डाल देता है। अच्छा, ये इन्होंने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई है। इस चैप्टर के एंड तक आप अगर ये वेबसाइट ऐसी बना लें खुद से तो इस चैप्टर का मकसद जो है वो अचीव हो जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले इसने ये बता दिया कि जी CSS में कलर लगता कैसे है। ठीक है, फोरग्राउंड कलर चेंज करना बता रहा है। इसके लिए आपने क्या करना है जी, आपने करना है ऐसे सेलेक्टर लिख देना है कोई भी, और रूल में लिखना है जी आपने कलर, और आगे आपने कलर का नाम लिख देना है। अच्छा, अब ये चक्कर क्या है कि जी कौन कौन से नाम अवेलेबल हैं, ये कैसे पता चलेगा। ये ऐसे पता चलेगा कि जी हम आएंगे यहाँ पे और हम यहाँ पे आके लिख देंगे कि जी CSS कलर नेम्स। CSS कलर नेम्स आ गया, तो ये W3 स्कूल भी आ रहा है और हमारे पास जो है ना ये MDN भी आ रहा है, तो हम चलो W3 स्कूल पे चलते हैं। CSS की जो है ना टोटल मेरा ख्याल है कि 200 या 250 कुछ कलर्स हैं इस तरह। ठीक है जी, ये हमारे पास ना ये सारे अवेलेबल कलर जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने बता दिया। सर के नाम लिखने पड़ते हैं, वैसे आमतौर पे नाम का इस्तेमाल कम ही होता है। स्टिल आपको ये नाम भी अगर लिखना है ना तो वो आपको डिज़ाइनर बता देता है कि ये नाम है। ठीक है, ये एक दूसरी वेबसाइट है जिसमें ये सेम चीज़ बताई जा रही है थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में। देखिए आप इसमें इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन की है कि जी पिंक के सारे शेड एक तरफ हैं, ग्रीन के सारे शेड एक तरफ हैं, ठीक है, ब्लू के सारे शेड एक तरफ हैं, ये इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया है, ब्राउन के सारे अलग अलग कर दिए हैं, वाइट के सारे शेड हैं। ये कौन सी वेबसाइट है यार, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं। इसका नाम है HTMLColorCodes.com। ठीक है, इस तरह की लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं। तो अरे क्या ही है, ठीक है, तो इनमें से कोई भी नाम मैं इसमें लिख सकता हूँ। अच्छा, तो ये टोटल 200 यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि कितने नाम है टोटल। हाँ, 147 ये प्री डिफाइंड कलर्स हैं। अच्छा, 147 ये उस वक्त है जब ये बुक लिखी जा रही थी, बाद में मोस्ट प्रोबेबली 10-12 कलर और ऐड किए जा चुके होंगे अभी तक 10-12 सालों में। ठीक है, तो वेल तो आप जब कलर का जैसे ही नाम लिखना शुरू करते हैं ना, ब्राउज़र तो आपको इंटेलिजेंस दे देता है ब्राउज़र ना, किसी ऐसे डी लिखेंगे आप तो डार्क के आन, और वो जो सारे डी से आने वाले, जब बी लिखेंगे आप तो ब्राउन के सारे वो आ जाएंगे वेरिएंट्स। अच्छा, दूसरा जो है ना ये एक तरीका है जिसको हम क्या कहते हैं, हेक्स कोड। अच्छा, कोई बता पाएगा कि ये हेक्स कोड का क्या चक्कर है, ये लिखा हुआ क्या है भाई, क्या लिखा हुआ है? कलर का कोड है, ये कलर का कोड है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है कोड में इसमें? ब्लू कौन सा यूज किया था, हैश।
तो नहीं, क्या मतलब है ये हैश 5000, ये व्हाट इज़ दिस? ई तो कोई कलर का नाम नहीं होता, डबल ई जो है और 3E और 80, ये तो किसी कलर का नाम तो नहीं होता, तो ये क्या है, कभी सोचा है या किसी को पता है क्या होता है तो ज़रा बताए? कोड होगा सर। हाँ कोड तो होता है, लेकिन क्या सर, बस हैश के आगे कुछ भी नंबर डालो उसका कलर निकल जाता है। अच्छा, हैश के आगे कुछ भी कलर डालो उसे नंबर नहीं निकलता। इसको मैं अगर यहाँ से कॉपी करके इधर ले आऊँ ना कोर्ट में हमारे, तो मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या होता है। आप जब आते हैं ना जी, और यहाँ आके आप सॉरी इधर ही आ जाते हैं वापस हम, और ये इंट्रोडक्शन टू सीएसएस करके जो बात लिखी हुई है ना हमारे पास, H1 पे जो स्टाइलिंग अप्लाई हुई हुई है उस पे मैं मज़ीद इसको लगाता हूँ ज़रा। H1 पे ना ये रेड कलर लगा हुआ है H1 पे अभी, तो मैंने इसको कह दिया कि हैश, और मैं अगर इसको FF बोलूँगा ना तो ये क्या कलर बना? वाइट। वाइट बना। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसको 00 बोलूँगा तो ये ब्लैक बन जाएगा। तो ये कोड ऐसे ही नहीं है, कुछ मतलब तो है इसका। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या मतलब है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे खोलूँगा तो अभी देखो ये ब्लैक कलर में शो हो रहा है। अब इसको अगर मैं कर दूँगा क्या, भले छः, इसको मैंने 6 दफ़ा FF कर दिया तो पूरा वाइट हो गया। 3 दफ़ा करने पे भी होता है? नहीं, असल तो 6 डिजिट का होता है, ये होता 6 डिजिट का। अगर आप कुछ नहीं लिखें तो वो बाई डिफ़ॉल्ट उसको वो F ही कंसिडर करता है। ठीक है, ये पूरा वाइट हो गया, ये आपको दिख ही नहीं रहा। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा इसमें से, मुझे डबल ई एफ आना होगा। ठीक है, थोड़ा सा जो है ना मुझे इसको रेड दिखाना है, थोड़ा सा सॉरी थोड़ा सा इसको मुझे रेड दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूँगा तो ये रेड बन जाएगा। रेड हो गया। अच्छा, अब ये कोई जादू नहीं है, ये आपको बताऊँगा आपको भी समझ आ जाएगा, बहुत आसान सा है। अच्छा, लेकिन उससे पहले ना हम ज़रा समझ लेते हैं कि ये सर मैंने सही तो बोला था। क्या बोला था सही? हैश के बाद आप कुछ भी लिख रहे हैं तो उसका कोई ना कोई कलर तो है ना सर। इसमें मुझे ब्लू बनाना है, कैसे बनेगा सर? मतलब आप कुछ और लिखें तो आ जाएगा? नहीं, ब्लू बनाना है, मैं ब्लू बनाऊंगा इसमें, कैसे बनेगा? इसका मतलब ये है कि आप हैश के आगे सब कुछ हैश के आगे डालें। नहीं, मुझे ब्लू बनाना है ना, इंटरनेट नहीं, इंटरनेट पे कैसे जाके देखना होगा, मैं अभी बनाऊंगा, बन जाएगा। इंटरनेट की क्या बात है यार, उसमें सही है, ब्लू का शेड बनेगा ये कोई। अब ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ की मैंने? अच्छा, ये जी तो होता ही नहीं है ना, एफ पे ख़त्म है ना ये। चलो यार डबल ए कर देते हैं ना, डबल ए कर देते हैं। सही है, तो ब्लू का ग्रीन बन जाता है। अच्छा, नहीं ब्लू बनाना था ना मुझे। हाँ जी सर, आखिर में एफ एफ आखिर में एफ एफ लिखी। सही है, तो ये ब्लू का शेड बना। अब मैं दूसरे वालों को अगर बिल्कुल ज़ीरो कर दूँगा तो ये बिल्कुल शार्प ब्लू बन जाएगा फिर ये। सही है। अच्छा, अब एक कलर होता है जो ब्लू और ग्रीन को मिला के बनता है, स्काई कलर जिसको हम कहते हैं, तो वो अगर मुझे करना है तो मैं इसको क्या कर दूँगा कि थोड़ा सा ग्रीन भी इसमें ऐड कर दूँगा मैं। तो आप देखें, तो आपको कैसे पता चल रहा है क्या लिखना है? हाँ, अब मुझे कैसे पता चल रहा है वो, मैं जब ये तो मैं तुम्हारे सवाल का ही तो जवाब है, तुम कह रहे थे ना कि कुछ भी लिख दो, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दो। ठीक है, अच्छा वो मैं समझा देता हूँ कि क्या पता कैसे चल रहा है। अच्छा, लेकिन उससे पहले ना आप आ जाओ ये इस वाले पे तरीके पे। ये तो पहला तो नाम है, नाम तो फिक प्री डिफाइंड है, नाम में ज़ाहिर है लिमिटेशन है कि 147 ही कलर है उसमें, बाकी है ही नहीं। इसके अंदर हमारे पास वाइड वैरायटी है कि कुछ भी लिख सकते हो आप। अच्छा, और सेम वैरायटी इसके अंदर भी है। ये क्या है जी, RGB, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू। पहली वैल्यू है रेड की R, दूसरी वैल्यू है ग्रीन की और तीसरी वैल्यू है ब्लू की। ठीक है, अब RGB से मिलके दुनिया के जितने भी कलर हैं ना वो सारे RGB से मिलके बनते हैं। सही है, जो डिजिटल स्क्रीन की बात हो रही है, वैसे जो प्रिंट है उसका थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, चार से बना। हाँ, अब देखिए ये RGB के बारे में कह रहे हैं
कि जी आप क्या कर सकते हैं, ज़ीरो से लेके 255 तक का, या 255 इन्होंने यहाँ लिखा क्यों नहीं यार? हाँ नहीं सर, वो नीचे लिखा हुआ है, नहीं वो तो पेज नंबर लिखा है। वेल मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, वो लिखा होगा कहीं ना कहीं इन्होंने, कि जी इसमें आप क्या कर सकते हैं, रेड की जो वैल्यू है वो ज़ीरो से लेके 255 तक है, उसके बाद ग्रीन की जो वैल्यू है वो ज़ीरो से लेके 255 तक है, और ब्लू की जो वैल्यू है वो भी ज़ीरो से लेके 255 तक है। सर ये चीज़ मैंने देखी है, उसमें पेंट जो होता है ना उसके अंदर होता है। मैं दिखा देता हूँ सर, क्लेम करने सर उसने बुक सही नहीं लिखी। नहीं नहीं बुक में क्या गलती है उसकी सर, उसने नंबर नहीं लिखा ना 255। नहीं वो लिखा है कहीं ना कहीं, वरना मुझे कहाँ से पता चलो, लिखा हुआ तो है कहीं ना कहीं, लिखा हुआ है उसने, सामने नहीं दिख रहा मुझे, है लेकिन मौजूद है। यार इंटरनेट एक तो बड़ा स्लो चल रहा है आज। अच्छा अब देखो इसका जो ताल्लुक है ना वो बड़ा सिंपल सा है, कि कोई भी कलर ना, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि जितने भी कलर्स होते हैं वो आरजीबी से मिलके बनते हैं। सही है, आरजीबी से मिलके बनने का मतलब है कि यार वैसे तो नेचर के सात कलर होते हैं, लेकिन डिजिटल स्क्रीन पे जो कलर हमें दिखते हैं वो तीन को मिला के बन जाते हैं। अगर सारे कलर को मैं 000 कर दूंगा, ठीक है, तो वो बनेगा वाइट, और सारे कलर को अगर मैं फुल कर दूंगा तो वो क्या बनेगा, वो ब्लैक बनेगा। सॉरी उल्टा बोल गया मैं, अच्छा। सारे कलर को ज़ीरो करूंगा तो ब्लैक बनेगा, और फुल करूंगा तो वाइट बनेगा, ठीक है। क्योंकि रैम्बो के जो सात कलर है ना उसको जब मिक्स करते हैं हम तो सफ़ेद बनते हैं। सूरज की जो रोशनी है वो हमें सफ़ेद क्यों दिखती है, वो हमें सफ़ेद इसलिए दिखती है क्योंकि उसमें जो नेचर के जो सातों कलर है ना वो सातों उसमें मौजूद हैं। इस वजह से वो सातों मिलके जब नीचे ज़मीन पे आती है तो हमें लगता है कि सफ़ेद रंग की रोशनी आ रही है सूरज की। अच्छा इसी तरीके से एक यहाँ पे बात और भी मेंशन करता चलूँ मैं, कि ये जो मुझे बोतल का ढक्कन जो ब्लू दिख रहा है, ये मेरे सामने बोतल पड़ी है, इसका ढक्कन जो ब्लू दिख रहा है मुझे, ये ढक्कन मुझे ब्लू क्यों दिख रहा है, ये इसकी तमीदी गुफ्तगू है जो अभी आर जी बी। जवाब दो हाँ फिजिक्स बताओ, यही तो फिजिक्स ही पूछ रहा हूँ सर। दरअसल ये मटेरियल में ये वाली लाइट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा मजीद, इसको मजीद एक्सप्लेन करो। बात तो तुमने सही की है, और मजीद एक्सप्लेन करो। सर बस वही सर, इस रेडिएशन ये वाली ब्लू कलर की रेडिएशन इमिट कर रहा है। हाँ भाई सही कह रहे हो, बात तो इसने सही की है, वो तो मैंने कंफर्म कर दिया है। कोई इसको मजीद एलोबरेट करना चाहेगा? अच्छा नहीं असल में कॉलेज की बात नहीं होती, वो तो अपना इंटरेस्ट होता है। मुझे भी ये कॉलेज में थोड़ी पढ़ाया किसी ने कि ये क्या चक्कर है, तो ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, और जो खुद से बंदा सेल्फ स्टडी करता है उसी से पता चलता है। तो पूरी दुनिया में आजकल जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो हालात हैं ना वो ऐसे नहीं है कि आप उस पर आप डिपेंड कर सकें। वेल तो जी देखें, ये जो ढक्कन मुझे ब्लू दिख रहा है ना, या ये जो मुझे बैग है ये ग्रे दिख रहा है, या ये बटन मुझे ग्रीन दिख रहा है, इसका रीज़न ये है कि इस पे जो लाइट पड़ती है ना, अच्छा ये देखो सफ़ेद लाइट है ना, सफ़ेद इसमें सातों कलर है, इसमें सातों कलर मौजूद हैं, जो नेचर के सात कलर या कह लो या तीन आरजीबी के तीन कलर कह लो, ये मौजूद है इसके। अच्छा जब ये लाइट इस पे पड़ती है ना, इस बोतल के ढक्कन पर, तो ये बोतल का ढक्कन ना सारी लाइट को कर लेता है एब्जॉर्ब, और सिर्फ एक लाइट ना जो ब्लू कलर की है इसको ये एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छा अब जब वो लाइट पड़ रही है ना, तो सारी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है इसमें उस बल्ब की, सिर्फ ब्लू कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होके जब हमारी आँखों के अंदर जाती है, और आँखों पर जाके जब वो अंदर पर्दे पर लगती है ना वो लाइट, तो मेरे आंखों तक कौन सी लाइट पहुंची, सिर्फ ब्लू पहुंची, बाकी जो उसने अब्जॉर्ब कर लिया, तो इसलिए मुझे ये ब्लू दिख रहा है। सही है। अच्छा ये बात समझ आई। इसी तरीके से जो हरा पत्ता है, हरा पत्ता इसलिए हरा दिख रहा है मुझे कि उस पर जो सनलाइट पड़ती है वो सारी रोशनी अब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, वो मेरी आँखों में दाखिल होता है ग्रीन कलर, और मुझे वो ग्रीन दिखता है, ठीक है। अच्छा सम हाउ अगर मैं पत्ते के ऊपर कोई ऐसा केमिकल लगा दूँ जो सारी लाइट अब्जॉर्ब करता हूँ, तो पत्ता फिर मुझे क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। सही है, जो अगर सारी, मिसाल के तौर पे ये जो मेरे सामने मॉनिटर पड़ा हुआ है ये ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि जो रोशनी इस पर पड़ती है ना ये सारी की सारी लाइट को
एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता। अच्छा, ऐसा कोई मैटर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता जो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। ऐसा कोई मैटर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है जो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। क्यों? कि ये ना मुझे दिख तो रहा है ब्लैक, लेकिन मुझे इट स्टिल इस पे ना देखो ये विजिबल है मुझे, ये थोड़ा सा ये ग्रेइश कलर है, क्योंकि वो मुहावरा कहते हैं ना अंग्रेजी में, मुहावरा कहते हैं देयर इज़ नो ब्लैक, तो वो ब्लैक नहीं होता, वो शेड ऑफ ग्रे होता है। उस पर वो नॉवल वगैरह भी लिखते हैं वो 50 शेड ऑफ ग्रे। तो वो ये ब्लैक और वाइट ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ब्लैक जब बनेगा वो जब लाइट सारी एब्जॉर्ब कर ले, कुछ भी रिफ्लेक्ट ना करे। तो ये देखो ये रिफ्लेक्ट तो कर रहा है थोड़ा बहुत, अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगी मुझे दिखेगा ही नहीं है। ये जो मुझे इसके एजेस दिख रहे हैं ना ये, कि अच्छा जी यहाँ से थोड़ा अंदर दबाव है, ये तो दिखेगा ही नहीं मुझे अगर ये सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ले। तो ये कुछ ना कुछ 0.00001% ये मुझे दे रहा है स्टिल, जब भी मुझे ये दिख रहा है। अच्छा, कोई ऐसा एलिमेंट भी नहीं हो सकता जो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, कुछ भी एब्जॉर्ब ना करे, ऐसा भी एलिमेंट यानी। तो वाइट और ब्लैक ये एग्जिस्ट नहीं करते, इसके दरमियान के ना वो शेड ऑफ ग्रे होता है कहीं ना कहीं। तो ये सारे शेड ऑफ ग्रे हैं असल में, येलो और ग्रीन ये सब शेड ऑफ ग्रे ही कहलाते हैं असल में। तो वो जितने मर्जी आप शेड बना लें। अच्छा, जो स्पेस का कलर ब्लैक है वो स्पेस का कलर ब्लैक इसलिए कि उसमें कुछ है ही नहीं ना रिफ्लेक्ट करने के लिए। सर वो तो प्योर ब्लैक है ना। नहीं, वो नहीं, देखो ब्लैक की डेफिनेशन ये जो है ना, ये इसमें लाई नहीं कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर ये जो है ये सन है, ये सन है ना, ये चलो बल्ब को बल्ब की मिसाल लो, ये ऊपर बल्ब है ना। अब इस बल्ब की जो रोशनी है ना ये इधर पड़ रही है तो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट भी नज़र आ रहा है, मुझे लाइट भी नज़र आ रही है। ये बात गौर से समझना है इसको, ये ऑब्जेक्ट पे लग रही है ना लाइट, तभी मुझे ये ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है और तभी मुझे लाइट भी दिख रही है। अगर एक मैं लाइट को छोड़ू यूँ सीधा और आगे उसके कुछ भी ना हो, ये रात को एक्सपेरिमेंट करके देखना आसमान पर टॉर्च मार के ना, अगर मैं लाइट को यूँ छोड़ूँ सामने और सामने कुछ भी ना हो जिस पे लाइट टकराएगी नहीं जाके, तो वो लाइट मुझे लाइट भी नज़र नहीं आएगी ना, कोई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, वो ऑब्जेक्ट कहाँ से नज़र आएगा। हाँ, तो लाइट को देखने के लिए ना मुझे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट सामने होना चाहिए, जब भी मुझे वो लाइट नज़र आएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो लाइट जा रही है सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। तो स्पेस का ये वाला हिसाब है, स्पेस में ना अगर यहाँ पे मैं फ़ोटो खोलूँ ना, लेज़र लाइट भी है। हाँ नहीं, लेज़र लाइट भी वो कहीं ना कहीं टकराएगी तो दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखती वो। अब यार हाँ नहीं, इसने बहुत बड़ा खोल दिया। तो रियल स्पेस की फ़ोटो यहाँ पे दिखे ना मुझे। हाँ ये देखो, इस फोटो में देखो इस चीज़ को ऑब्जर्व करना, ये सन है। अब ये सन से लाइट निकल के ना देखो जहाँ जहाँ देखो इधर टकरा रही है ये, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है और लाइट भी दिख रही है कि इस पर है। अच्छा, आप जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है ये निकल के ये ऊपर सीधा ट्रैवल, देखो जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ दिख रहा है मुझे, ये जहाँ नहीं है वो लाइट भी नहीं दिख रही, ऑब्जेक्ट भी नहीं दिख रहा। अच्छा सही है। अच्छा, जैसे तुम अभी करोगे ना, हाँ ये वाली ज़्यादा बेटर है। नहीं, इसमें भी अभी बेहतर इसमें से तो कोई भी नहीं है। खैर, वो चांद वाली एक फ़ोटो है ना, कि वो चांद पे जिस साइड लाइट नहीं पड़ रही होती वो दिखता बिल्कुल ही नहीं दिखता है। भाई चांद ऐसा है ना, गोल है चांद, हमारा जो चांद है चंदा मामा जो है वो पूरे गोल है ऐसे, वो आधे नहीं आ, यही तो है इस तरह का ना ये, वो पूरे गोल है। देखो इसमें देखो जिस तरफ लाइट पड़ रही है वो हिस्सा दिख रहा है, और जिस तरफ लाइट नहीं पड़ रही ना ये, इन्होंने तो फिर भी थोड़ा बहुत विजिबल कर दिया, वो बिल्कुल ही डार्क होता है, नज़र ही नहीं आता है ना। रमज़ान में हम चांद देखते हैं जो वो आधा चांद होता है, तो बाकी का हिस्सा वो नज़र इसलिए नहीं आता कि लाइट नहीं पड़ रही उस पर। तो क्या कहते हैं मुझे, क्या हमने सीखा इससे कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत है, क्योंकि ये लैपटॉप इधर पड़ा है ना और इस पर लाइट नहीं लग रही तो मुझे ये लैपटॉप नहीं दिखेगा, और अगर लाइट मौजूद है और उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यानी ये लैपटॉप नहीं है तो मुझे वो लाइट भी नहीं दिखेगी। तो मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट भी चाहिए और वो ऑब्जेक्ट का होना भी ज़रूरी है। अगर कोई एक चीज़ भी माइनस होगी ना तो मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा, अगर लाइट माइनस कर दें तो भी कुछ नज़र नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो भी कुछ नज़र नहीं आएगा, लाइट अकेला कुछ भी नहीं कर सकती, हाँ भले गुजरती रहेगी वो। अच्छा इसकी आप मिसाल लो, रात के वक्त ना आप टॉर्च जलाओ और टॉर्च जला के ना ज़रा ऐसे ऊपर की तरफ मारो उसको आप, तो आपको वो लाइट नज़र नहीं आएगी। अच्छा अगर लेकिन उस टॉर्च को आप किसी दीवार पर मारोगे तो दीवार पर वो रोशनी बना के दिखाएगा आपको, रिफ्लेक्ट होगा वो आपको और दीवार का कलर भी आपको पता चल जाएगा, ऐसा तो काली दिखती है ना दीवार। अच्छा लेकिन क्या होगा कि अगर आपके सामने से कोई गाड़ी गुजरेगी ना, धूल मिट्टी उड़ेगी,
तो आप आसमान पे जो टॉर्च मार रहे हैं ना उसमें आपको पार्टिकल्स दिखेंगे डस्ट के, तो वो ये डस्ट के पार्टिकल देखो इसमें भी यही दिख रहा है ना। कहाँ गई वो वाली फोटो? बैक कर दे। इसमें भी आप देखें ना, ये असल में डस्ट के पार्टिकल दिख रहे हो, बिल्कुल वही वाला फिनोमेना हो रहा है कि ये लाइट का सोर्स है, यहाँ से ये निकल रही है लाइट और ये बीच में पार्टिकल्स जहाँ जाए ना वहाँ वहाँ दिख रहा है और बाकी डार्क है। तो यानी ये सबसे बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन है कि आप एक टॉर्च जलाएंगे और उस पर थोड़ी सी मिट्टी यूँ आप उड़ाएंगे तो जहाँ जहाँ वो पार्टिकल होंगे वो दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। थोड़ी देर में वो पार्टिकल ख़त्म तो लाइट दोबारा इनविजिबल हो जाएगी। अच्छा, तो एक तो हमने ये बात सीख ली। अब नंबर दो बात हमें प्रिंसिपल क्या सीखना है, वो हमने ये सीखना है कि क्योंकि हमने ये थ्योरी बना ली है कि जी इसमें ना वाइट कलर है, इसमें सातों कलर है नेचर के, और ये पड़ रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, सारे कलर को ये ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसलिए मुझे ये ब्लू दिख रहा है। अच्छा, क्या हो कि अगर इस लाइट में ब्लू कलर ही ना हो? अच्छा, क्योंकि ये सिर्फ ब्लू को रिफ्लेक्ट करता है ना। क्या हो कि अगर मेरी लाइट के सोर्स में ब्लू कलर मौजूद ही ना हो? तो होगा ये कि ब्लू को तो ये रिफ्लेक्ट करता है ना, बाकी को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बाकी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये मुझे क्या दिखेगा? ब्लैक दिखेगा, क्योंकि वो जो ब्लू को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था वो ब्लू तो है ही नहीं लाइट में। तो जी अभी करके देखते हैं हम ये एक्सपेरिमेंट, ये अभी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर इस पर मैं ना रेड कलर की लाइट मारूंगा ना ये मुझे ब्लैक दिखेगा, लेकिन उसके लिए मुझे ये सारी लाइटें बंद करनी होंगी। रेड भी प्योर लेकर आना, रेड प्योर अभी लेकर आएंगे हम। रेड देखो प्योर पता कैसे आएगा, यहाँ पर जाके लिखोगे आप रेड कलर, और रेड कलर ये आप खोलोगे ना जब अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे, आप उसको खोल के यूँ करोगे जब, ठीक है, तो ये बन गया रेड कलर। अच्छा अब इसके, अब ज़रा ये लाइटें बंद करो सारी, अभी ये ब्लू नहीं दिखेगा आपको, इस रेड कलर में ये ब्लू नज़र नहीं आएगा, ये ब्लू ब्लैक हो जाएगा। नहीं ये कलर, कलर की नेचर को समझने के लिए तो ज़रूरी है ना यार ये। हाँ अरे पंखे क्यों बंद कर रहे हो भाई? पंखे तो नहीं बंद करो, मारोगे तुम। हाँ भाई ब्लू दिख रहा है? नहीं सर ब्लू नहीं दिख रहा। अच्छा अभी मैं इसको जब सफ़ेद पे लाऊंगा ना जब, तो ये आपको ब्लू दिखने लग जाएगा। अब ब्लू डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो? उसको ढक्कन को मैं खोल लेता हूँ ना यार, पता चले इसका पानी मेरे लैपटॉप के ऊपर ही गिर जाए। अच्छा ये देखो ब्लू दिख रहा है? अच्छा अब मैं वापस जाऊँगा ये रेड पे, रेड अब दिख रहा है ये? ब्लू दिखना बंद हो गया आपको, ठीक है। ज़रा इसको यार ऐसे पकड़ो यहाँ पे स्क्रीन पे, ताकि ना मैं इसको यूँ जूम इन कर सकूँ। अच्छा अब देखो ब्लू दिखना बंद हो गया। अच्छा अब मिसाल के तौर पे कोई दूसरा कलर, ग्रीन। अच्छा ग्रीन में भी मुझे क्या होगा? ये डार्क चाहिए। हाँ डार्क तो वाइट में ये रहा ना, ये डार्क ग्रीन आ गया। अच्छा इसमें भी मुझे ना ये ब्लू इसलिए दिख रहा है कि शायद इसमें ग्रीन में थोड़ा थोड़ा ब्लू है, ये प्योर ग्रीन नहीं है मे बी, ठीक है। अच्छा स्टिल इस ग्रीन में भी मुझे क्या हो रहा है ये? अब प्योर ग्रीन लिख देता हूँ इसमें। इस ग्रीन में भी मुझे क्या हो रहा है? ये ब्लू उस तरह से नहीं दिख रहा जिस तरह से दिखना चाहिए ना। लगाओ ज़रा इस ग्रीन पे इसको, ये उस तरह से ब्लू नहीं दिख रहा जिस तरह से ये मुझे इस, हो सकता है इसमें थोड़ा ग्रीन इस वाइट स्क्रीन पे लगाओ, इस वाइट स्क्रीन पे लगाओ, इस वाइट स्क्रीन पे ये जैसा दिख रहा है ना वैसा ये इस पर नहीं दिख रहा, डिफरेंट दिख रहा है मुझे ये, ठीक है। अच्छा अब इसको अगर मैं लगाऊं ब्लू कलर की लाइट में, अगर मैं इसको ब्लू कलर की लाइट में लगाऊं तो ये मुझे क्या दिखेगा? ब्लू बिल्कुल सही दिख रहा है, क्योंकि ब्लू को तो ये रिफ्लेक्ट करता है तो ये ब्लू बिल्कुल सही दिख रहा है, ब्लू ही दिख रहा है। अच्छा अब मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका कलर आपको पता ना हो पहले से, कोई ऐसा, ये भी एक्सपेरिमेंट मैंने किया स्टूडेंट्स के साथ, एक ऑब्जेक्ट मेरे पॉकेट में ऐसा है कि जिसका कलर स्टूडेंट्स को पहले से पता नहीं है। अब उसको मैं अलग अलग कलर पे खोलता हूँ ना तो जाके फिर वो एक कलर में पता चलता है, अच्छा यार इसका तो ये कलर है। अच्छा सही है, मिसाल के तौर पे। चलो ऑब्जेक्ट तो पड़े हैं मेरी जेब में कुछ एक दो। अच्छा अब बताओ ये जो मेरे पास ये निकाला है मैंने कीचेन है, ये इसका कलर क्या है? इस पर एक तो वाइट से ये सुजुकी लिखा हुआ है, ये तो अलग है, इसके साइडों का कलर क्या है?
मे भी आपने ये देखा हो पहले मेरे हाथ में, तो आपकी याददाश्त में ये चीज़ मौजूद हो। ये आपको मैंने ब्लू लाइट में दिखाया, सही है? ये ब्लू है या ब्लैक है? अच्छा, डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा ना कि ये क्या है। ये दिख रहा है ब्लैक आपको राइट नाउ? अच्छा, अब इसको मैं वापस बंद करके ना इसको अब मैं लगाता हूँ ग्रीन कलर पे, लगाता हूँ इसको मैं। अच्छा भाई, अब क्या दिख रहा है? ये स्टिल ब्लैक दिख रहा है आपको ये। अब इसको हम लगाते हैं। लास्ट कौन सा कलर है हमारा? वाइट। रेड हमारा लास्ट कलर है जो हमने सबसे पहले लगाया था। इस पे ये क्या दिख रहा है? ब्लैक। अच्छा, अब ये तीनों कलर पे ब्लैक दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? ये है ही ब्लैक, क्योंकि ये तीनों कलर को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं ना। अच्छा, अब इसको मैं आपको व्हाइट लाइट में दिखाऊंगा जब। ये अभी भी ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये है ही ब्लैक, ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। इस तरह जो है ना, आपस में तुम लोग एक्टिविटी कर सकते हो। लाइट वापस ऑन कर दो यार। नहीं नहीं, विदाउट इन्वेस्टमेंट ये मदारी थोड़ी है जो घर गली गली में जाके करतब दिखाएगा ये वाले। अच्छा, तो आपस में ना ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि जी एक ऑब्जेक्ट आप लाओ और एक ऑब्जेक्ट वो लेकर आए, और ये तीनों कलर की लाइट हो अलग अलग हमारे पास, और तीन कलर की लाइट में ना उस ऑब्जेक्ट को, यानी आपने उसको दिखाना है, तो वो तीनों कलर में अलग अलग देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये कौन से कलर का, ठीक है। दो कलर में वो दिखेगा ब्लैक, किसी एक में वो दिखेगा उसका शेड एक्चुअल में, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने नंबर एक बात तो ये सीखी कि भाई हमें लाइट पड़ती है तो ऑब्जेक्ट दिखता है, और ऑब्जेक्ट इस वजह से दिखता है कि वो एक सर्टन लाइट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। नंबर दो बात हमने ये देखी कि यार अगर कोई चीज़ ब्लू कलर की है तो उसका ब्लू कलर मुझे नज़र आने के लिए ज़रूरी है कि मेरे लाइट सोर्स में वो ब्लू कलर मौजूद है। अगर मेरे पास लाइट सोर्स में वो ब्लू कलर है ही नहीं, अगर मेरी लाइट प्योर रेड या रेड और ग्रीन का कोई मुरक्कब है, ब्लू उसमें बिल्कुल माइनस है, तो क्या कहते हैं, मुझे वो ब्लैक दिखेगा, क्योंकि वो उस कलर को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मुझे वो ब्लैक दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब नंबर तीन बात के ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ये मैंने अपने बचपन में बनाया था। यहाँ पे ना देखो, अब मुझे बनाना है क्या भला, मुझे रेड बनाना है अगर, तो उसमें तो आसान है, 0 से लेकर 255 तक है, तो 255 मैंने इसको दे दिया, बाकियों को मैंने दे दिया 00, और मैंने इसको मिक्स कलर किया, तो ये देखो ये दरमियान वाला जो है ना, ये मेरा रिजल्ट है। अच्छा, इसमें कौन सा, देखो रेड प्रोमिनेंट है और बाकी जो ब्लू और ये ग्रीन है ये 0 है, कोई इसकी वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब अगर मुझे बनाना है कोई ब्लू ब्राउन बनाना है, अच्छा बताओ ब्राउन कैसे बनेगा, कौन से कलर से बनेगा ब्राउन? सर थोड़ा सा ग्रीन मिलाना, मेरा ख्याल भी यही है कि थोड़ा सा मैं ग्रीन मिलाना होगा, तो मैं 100 के करीब इसमें ज़रा ग्रीन मिलाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह का शेड बना है। अच्छा, थोड़ा सा शायद हमें ब्लू भी मिलाना पड़ेगा, अच्छा बहुत कम है ब्लू अभी, ब्लू को ज़रा 60 करते हैं, नहीं ये तो किसी और तरफ जा रहा है, ठीक है, इसको भी ज़रा मज़ीद कम करते हैं। अच्छा नहीं, रेड को भी शायद कम करना पड़ेगा मुझे, नहीं बना बनाऊँ। अच्छा कैसे बनता है भाई ब्राउन, बताओ कौन से कलर से बनेगा? चलो कोई आसान कलर कर लेते हैं, कि अगर मैं 200 रेड ग्रीन को बढ़ाते, मैं बोल रहा ना ग्रीन को बढ़ा, 200 रेड और 200 ब्लू मिला रहे हैं ये, सही है, ग्रीन को हमने 0 किया है, तो ये कौन सा कलर बनना चाहिए? ऑरेंज देखते हैं, ये तो बना है मैजेंटा कलर पर, कहते हैं इसको मैजेंटा कलर बना है ये, ठीक है। तो कलर असल में क्या होते हैं, ये जितने भी कलर आप सोच सकते हैं ना, वो सारे इनसे मिलके बनते हैं। अच्छा, इसकी जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक जो है वो मैक्सिमम उसका 255 है, दूसरे का भी इतना ही है, तीसरे का भी इतना ही है, तो टोटल कितनी हुई हमारे पास जो कलर कॉम्बिनेशन है, 255 और मल्टीप्लाई बाई 255, यही होगा ना, कि पहला कॉम्बिनेशन होगा 000 और आखिरी कॉम्बिनेशन होगा 255 255 255। अब इसमें टोटल ना इतनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं,
यानी इन तीन कलर को मैं इस्तेमाल करते हुए इतने सारे कलर जनरेट कर सकता हूँ। ये कितने हुए देखो ज़रा, 16 मिलियन कलर बनेंगे, ठीक है 16 मिलियन कलर ये बने। अच्छा बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, टीवी में, मोबाइल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन में आपने देखा होगा लिखा होता है जी 16 मिलियन कलर्स। अच्छा वैसे तो जो स्मार्टफोन वगैरह उसमें नहीं लिखते, होता उसमें भी इतना ही है लेकिन उसमें नहीं लिखते, लेकिन कोई फीचर फोन जैसी चीज़ होती है ना, बनाए हुए कलर है या फिर आप कैमरे में तस्वीर जो खींचते हैं वो तो ये वाला नहीं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, नोकिया 33 जैसे फ़ोन है ना जो, इसमें ये लिखा होता है कि जी जो है ना ये 16 मिलियन कलर्स हैं इसके अंदर। नहीं नहीं वो 16 मिलियन कलर असल में मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि 16 मिलियन कलर का क्या चक्कर है। क्या लिखा तो आया वो मैंने ज़रा इसके गूगल के मुंह में अपना निवाला डाल दिया कि जी वो 16 मिलियन सर्च करके लाओ, तो ये किसी जगह पे ना नोकिया 3310 5G करके इन्होंने बताया कि जी 5.7 inch सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा इसका और गोरिल्ला ग्लास की कॉर्निंग होगी और 16 मिलियन कलर्स को ये सपोर्ट करेगा, ठीक है इस तरह ये जहाँ जहाँ पे ना। अच्छा असल में वो छोटे फ़ोन में ना इन चीज़ों को ज़्यादा वो प्रोमिनेंट करके बता रहे हो। हाँ जो जो स्मार्टफोन वगैरह होते हैं ना वो ये इस तरह की चीज़ों को प्रोमिनेंट नहीं करते क्योंकि वो उनके पास दूसरी चीज़ें होती हैं बताने के लायक ना, उनके पास और चीज़ें होती हैं तो वो नॉर्मल सी बात होगी उनके लिए, ठीक है। इसी तरह हम कोई दूसरा इसमें कोई फ़ोन लिखते हैं अगर हाँ उसमें भी ये लिखा होता है वीगोटेल। हाँ देखिए इसमें भी इन्होंने लिखा है 16M कलर्स, सही बदलू बताया तुमने। अब ये चक्कर क्या है, ये तो हमने देख लिया कि जी वो 16 मिलियन कलर का क्या चक्कर है कि ये 0 से लेके 255 तक, यहाँ लिखते हैं ना 0 से लेके 255 तक की तीन वैल्यू होती है, तो ये आपका जो है वो 16 मिलियन तक की कॉम्बिनेशन इसमें मैं बना सकता हूँ इसको लेकर। अच्छा अब जो ये बिट वाली बात थी ना जो आप कह रहे थे वो असल में इसी 16 मिलियन को बताने का एक दूसरा तरीका है। यार प्यारे दोस्तों थोड़ी सी खामोशी है, तो इसको ही लिखने का ना एक दूसरा तरीका भी है कि जी वो 16 बिट और वो 8 बिट कलर और 32 बिट कलर, वो इसी बात को लिखने का एक तरीका है। अच्छा लेकिन वो बिट बाइट अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो इंशाल्लाह हम जब जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे ना तो हम ये देखेंगे कि जी वेरिएबल मेमोरी में सेव कैसे होता है, कितने बाइट लेता है, तो उस वक्त आपको ये समझ आ जाएगा अच्छा 16 मिलियन को बिट में ये क्यों कह रहे थे, ठीक है ना बिट बाइट वाला समझ आ जाएगा। सर कुछ मोबाइलों के साथ ही बोलते हैं जावा सपोर्टेड है, क्या मतलब है? नहीं वो पुरानी बात हो गई, छोड़ो अभी वो। सर तो अपना जावा स्क्रिप्ट वाली बात। नहीं नहीं वो गेम जावा के होते थे वो छोटे फ़ोनों में होते थे पहले, अब तो इसमें जावा के गेम नहीं चलते ना, अब तो इसमें वो एंड्रॉइड की ऐप चलती है, अब तो एंड्रॉइड की ऐप चलती है ना फ़ोन में स्मार्टफोन में, जावा की ऐप तो नहीं चलती है वो, पहले वो J2ME का दौर बता रहे हो, जावा J2EE और J2ME होता था। हाँ अच्छा अभी टाइम ख़त्म हो गया, जल्दी से ज़रा इस पर गौर करो मैं क्या बता रहा हूँ। अच्छा तो इसमें हमारा सिंपल सा तरीका क्या आ गया कि रेड ब्लू और ग्रीन का कोई भी मुझे कॉम्बिनेशन बनाना होगा मैं बना लूँगा यहाँ से। अच्छा वो उसको बनाने के लिए जब मैं VS कोड में आता हूँ ना, यहाँ पर जब मैं VS कोड में आता हूँ और यहाँ से आके मैं कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ ना तो मुझे ये खुद से भी बना के दे रहा होता है, ठीक है। अगर मैंने RGB वाला तरीका करना है, RGB और रेड ब्लू ग्रीन हो गया ना ये, तो रेड में मैंने इसको 100 दे दिया, उसके बाद मैंने इसको दे दिया कि 12, उसके बाद इसको मैंने दे दिया 30, ठीक है। तो अब ये देखो इसका कलर ना इसने ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट कर लिया कि जी ये कलर है इसका। अच्छा इस कलर को अगर मैं यहाँ से चेंज करूँगा, मैंने कहा कि जी ये मुझे ना ये शेड चाहिए पर्पल शेड का, पर्पल का ये वाला शेड, यहाँ पे मैंने करके जैसे बाहर क्लिक किया ना तो देखो इसने पर्पल के शेड का ये वाला कोड मुझे बना कर दे दिया खुद से, ठीक है। ये क्या कैसे कर रहा हूँ मैं, ये इस पर सिर्फ हाथ रखूँगा ना जाके, मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पर ये मैं हाथ लेके गया और ये खुद आ जाता है नीचे, ठीक है, और ये उसको बनाना शुरू कर देगा। कोई भी मैं कलर यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करूँगा तो क्या होगा, सारा ज़ीरो हो गया यहाँ से।
अच्छा, अगर मैं यहाँ से वाइट सेलेक्ट करूँगा तो सारा क्या हो गया, 255 हो गया। तो ये वो वाली पूरी थ्योरी हमारी एज इट इज़ इस पर आ गई। अच्छा हाँ, अच्छा अब एक सवाल और कि जी ये जो ब्लू कलर का ढक्कन था, ये तो मैं जब तक ब्लू लाइट नहीं हो अवेलेबल मैं दिखा नहीं सकता, तो क्या ये इसमें भी बात ट्रू है? जी हाँ, इसमें भी ये बात ट्रू है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि हमारा जो लाइट का सोर्स है वो क्या है, वो LCD के अंदर बल्ब बत्तियाँ लगी होती हैं, बल्ब लगे होते हैं, वो होता है हमारे लाइट का सोर्स। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ब्लू कलर मौजूद नहीं है जी उस लाइट में या रेड कलर मौजूद, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर मेरे LCD के अंदर बत्तियाँ जो जल रही हैं वो बिल्कुल सही जल रही हैं, अगर हर पिक्सल के अंदर एक लाइट लगी हुई है जिसके 3 कलर्स हैं, उन लाइटों के बाकायदा फिजिकल LED बल्ब हैं वो, यानी इस अगर मेरी स्क्रीन पे 1000 पिक्सल हॉरिजॉन्टल और 1000 पिक्सल वर्टिकल है ना, तो इसका मतलब है कि 1000 लाइटें ऐसे पूरी एक रो में लगी हुई और वो एक कॉम्बिनेशन से जलती है, तो हमें लगता है स्क्रीन पे पिक्चर ड्रॉ हो रही है और स्क्रीन पे ये कुछ लिखा हुआ है, ये हमें दिखता है ना। ठीक है, और वो इतने क्योंकि प्रोसेसर बड़े फास्ट हैं, वो इतनी स्पीड में होती है, हमें फील नहीं होता। अच्छा, तो एक तो ये हो गया तरीका। अब यहाँ पे जो हम लिखते हैं ना, ये हेक्स कोड, इसको मैंने कर दिया कमेंट, और अब यहाँ पे आके जो मैं कलर में लिखता हूँ ना, हेक्स कोड हैश करके, क्यों आ रहा है बार बार जी, हैश करके मैंने कहा कि जी 6 दफ़ा ये 0 लिख दिया, तो ये भी ब्लैक बन गया। असल में मैं इसी RGB को किस में लिखता हूँ, मैं हेक्स कोड में लिखता हूँ। इसके जो शुरू का जो 3 जो 2 डिजिट है, इसके जो शुरू का जो 2 डिजिट है वो क्या है, वो रेड है। उसके बाद का जो 2 डिजिट है वो क्या है, ग्रीन है, और उसके बाद वाला ब्लू है। ठीक है यार, इसको निकाल देता हूँ। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर मैंने सबको 0 किया हुआ है, अगर मैं R को फुल कर दूंगा तो ये कलर क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। अरे क्या हो गया भाई, बजा सामने से। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, FF जो है इसका वो फुल 255 है, नहीं फुल नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब है 255, सही है। अच्छा, अब अगर मैं इसको वापस 0 करता हूँ, अगर मैं इसके आगे वाले को FF कर दूंगा तो ये ग्रीन हो गया। ठीक है, और इसको मैं करूँगा अगर FF तो ये ब्लू हो गया। तो ये RGB है, ये इसके जो 6 कैरेक्टर है ना, ये पहला 2 रेड, दूसरा 2 ग्रीन और तीसरा 2 ब्लू है। तो ये बात वेरीफाई हो गई कि क्या है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये 00 और FF का क्या चक्कर है, यहाँ तो था ना कि 0 से लेके 255, तो ये 0 से लेके FF तक क्यों जा रहा है ये? तो वो इस वजह से जा रहा है क्योंकि ये जो गिनती है ना, ये है हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल गिनती है ये। अब ये हेक्साडेसिमल गिनती क्या होती है, डेसिमल वर्सेस हेक्सा, अरे यार ये तो चल ही नहीं रहा ना। वेल, चलो मैं वैसे ही समझा देता हूँ कि हेक्सा डेसिमल क्या होता है। देखो, हमारे पास जो गिनती है ना, जो डेसिमल, उसमें क्या है, 9 यूनिक सिंबल हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे पास 10 यूनिक सिंबल हैं 0 से लेके 9 तक। हेक्सा डेसिमल के अंदर क्या होता है जी, मेरे पास क्या होते हैं, 16 यूनिक सिंबल होते हैं। ठीक है, एक तो यही वाले होते हैं 0 से लेके 9 तक, 9 के बाद इसमें आ जाता है A, B, C, D, E, F, तो ये यूनिक सिंबल है सारे हेक्साडेसिमल में। अच्छा, तो अब हमारे पास इसमें क्या होता है, हमारे पास हो जाता है 11 शुरू हो जाता है, 12 शुरू हो जाता है, 13 शुरू हो जाता है, 14 शुरू हो जाता है, ठीक है, 15 होता है, उसके बाद 16 होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, 9 के बाद जो 10 है ना उसकी जगह पे A है, 11 की जगह पे B है, 12, 13, 14 और 15, तो F का मतलब है 15। F का मतलब क्या है, 15 है हेक्साडेसिमल के अंदर। अच्छा, अब ये F पे देखो, हमारे पास ये यूनिक सिंबल 9 पे आके ख़त्म हो गए, तो क्या किया, अब यहाँ से रिपीट करना शुरू कर दिया। सॉरी, यहाँ 10 तो मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है, 10 नहीं लिखा मैंने, 10 लिखना भूल गया था। तो 9 पे यूनिक सिंबल ख़त्म हुए ना, तो देखो दोबारा से 0, 1 और 2 शुरू हुआ है, लेकिन अब की बार ये 0, 1, 2 के साथ अकेला नहीं है, ये इसके साथ एक 1 है हर किसी के साथ। ठीक है, हर किसी के साथ एक 1 है, तो दोबारा चल ये 0 से 9 तक ही रहा है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे पूरा 9 तक ये जाएगा, फिर 9 पे जाके दोबारा सिंबल ख़त्म हो जाएंगे मेरे यूनिक, तो मैं फिर अभी 1, 0 करता हूँ, फिर मैं 2, 0 कर दूँगा, फिर 2, 1 कर दूँगा, तो मेरे सिंबल हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है, डेसिमल के अंदर भी मेरे सिंबल हमेशा रिपीट होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे, ज़ाहिर है इनके भी सिंबल ख़त्म हो गए, तो ये करेंगे 10। अच्छा सर, एफ के बाद 10? हाँ, एफ के बाद 10, लेकिन 10 का मतलब इसमें 16, क्योंकि यहाँ तक 15 हो गया था ना, तो ये 16 है, इसका मतलब हेक्साडेसिमल में 10 का मतलब है 16 के इक्वल है वो एक्चुअली। अच्छा, उसके बाद ये क्या करेंगे, 10 के बाद 1, 1, 1, 2 ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा, 1, 3, 1, 4,
15 भी चलेगा, 16 भी चलेगा, 17 भी चलेगा, 18 भी चलेगा, 19 होगा उसके बाद, 20 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 19 पे इसका यूनिक सिंबल ख़त्म नहीं हुआ। 9 के बाद क्या आता है इसमें? 9 के बाद ए आता है, 9 के बाद ए आता है। तो अब यहाँ पे 19 के बाद क्या होगा? 1A होगा, फिर 1B होगा, फिर 1C होगा, फिर 1D होगा, सही है, फिर 1E होगा, फिर 1F होगा। अच्छा, इसको अब ज़रा लाइन चेंज कर लेते हैं, ये लाइन ख़त्म हो गई है हमारी, ठीक है। 1F पे जाके इनका यूनिक सिंबल क्या हो गया? ख़त्म हो गया। हमारा कहाँ पे? 9 पे ही ख़त्म हो गया था। अच्छा, तो इसमें 1F का क्या मतलब है? 1F को गिनना पड़ेगा। 15 तो यहाँ तक हो गए थे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34। अब 1F का मतलब है 31, ठीक है। 1F का मतलब है 31। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि मैं RGB के कलर में यहाँ पे 31 लिखूँ और इन दोनों को मैं कर रहा हूँ 00, ठीक है। तो हाँ, तो देखो जो कलर बना है यहाँ पे, ठीक है, जो भी हल्का सा ये जो शेड आया है, तो यहाँ पे जब मैं इसको करूँगा ना, ये वाले को, कि जी मैं सबको ज़ीरो कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ शुरू वाले पे, शुरू वाले में मैं लिख रहा हूँ 1F, तो मुझे सेम शेड मिलेगा। आप देखें ये दोनों सेम शेड बनाया है इसने, ये सेम शेड पे आगे रुका है। दो तरीके अलग अलग, दो तरीके अलग अलग, लिखने का अंदाज है, चीज़ एक ही है। ये हेक्साडेसिमल में चल रहा है और ये डेसिमल में चल रहा है। यार असल में जो ये हेक्स कोड जो है ना, ये है पुराना आइटम। अच्छा। तो जो पुराने अंकल डेवलपर है ना, वो पुराने अंकल डिज़ाइनर जो हैं, उनका हेक्स कोड पे ना हाथ सेट है। अच्छा। और इसकी कुछ उन्होंने वो आप कह लें कि चीट शीट वगैरह बनाई हुई है इस तरह ना, तो उनको पता होता है, अच्छा यार जिसमें 3F आ रहे हैं ना, वो ऐसा कलर होता है, उनको मतलब उनकी एक सेटिंग हो गई है। जैसे अब ये कीबोर्ड है ना, अब देखो QWE, अभी नंबर तो सारे आगे पीछे हैं इसमें, ABCD, लेकिन अब हमारा इस पे हाथ सेट हो गया है, हमें अगर सीधी गिनती वाला दोगे ना, हमसे नहीं चलता वो, समझ रहे हो। तो ये हेक्स कोड आया है पहले, तो इस पे जो है वो तो इस पे जो है ना, वो अंकल डेवलपर जितने हैं ना, सबका इस पे हाथ सेट हुआ है, और ये बहुत जगहों पे इस्तेमाल हो चुका है। अच्छा, ये नया वाला मंजन है, ये अभी के डेवलपर के लिए है, दोनों मौजूद है, दोनों एक ही बात है। अच्छा, अब ऑल द वे टू FF, यानी FF कैपिटल में लिख दो, स्मॉल में लिख दो, एक ही बात है। तो FF का क्या मतलब होगा इसमें? 255 हेक्साडेसिमल में ये 1F तक पहुँचाऊँ मैं। अब 1F के बाद क्या होगा? 1F के बाद मैं जाऊँगा, अब 2F होगा, 21 होगा, 20 होगा ना, बल्कि 21 कहाँ से, 2 तो 120 के बाद आएगा, ठीक है। ऑल द वे अब जाके जब FF पे पहुँचेंगे ना, तो वो 255 होगा F। तो 0 का मतलब इसमें 0 है, FF का मतलब 255 है। अच्छा, और अगर AA का मतलब क्या हुआ? कोई ना कोई मतलब हुआ, सही है, क्योंकि A का मतलब इसमें क्या है? A का मतलब ये बोलते हैं 10, और 10 नहीं 200 नहीं हुआ, ऐसे नहीं हिसाब लगा सकते कि 10 और 10 200, वो क्योंकि वो असल में चल रहा है, वो इस तरह है ना, दूसरे तरह से चल रहा है कि पूरा सिंबल है ख़त्म होता है, फिर पूरा सिंबल है ख़त्म होता है। तो ये जो मैं जो शुरू हुआ हूँ ना, 10 से शुरू हुआ, फिर 20 पे गया, फिर 30 पे जाऊँगा, फिर 40 पे जाऊँगा, तो वो हर 0 पे 15 डिजिट पूरे होते जा रहे हैं। तो इस तरह ऑल द वे मैं 1500 तक चला जाऊँगा नीचे, यानी ये एक लाइन जो चल रही है ना, ये 15 लाइनें नीचे जाएंगी, तो तब जाके मैं पहुँचूँगा ए वाले रो पे। तो फिर आएगा A1, A2, A3, A4, A5, फिर A9 तक जाएगा, फिर उसके बाद फिर AA आएगा। हाँ, वो 255 तक गया। तो पूरी ऐप इसकी अब जाके लिखोगे ना गूगल पे यार, कि भाई जैसे कोई भी डिजिट है तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास नंबर है कि मिसाल के तौर पे 96 तुम्हारे पास एक नंबर है, अब तुम्हें उसका चाहिए कि हेक्स कोड क्या है, तो जाके गूगल पे लिखोगे मिल जाएगा कैलकुलेट, या तो खुद भी कर सकते हो, फार्मूला है उसको कैलकुलेट करने का, ठीक है जी। हेक्स कोड क्या है, मतलब हेक्साडेसिमल है, देखो अब किस लिए बना है वो एक लंबी स्टोरी है, उसमें मैं अभी नहीं जाऊँगा। ये हेक्साडेसिमल है,
हमारे पास जो है ना, हमारे पास जो डेसिमल है जिसमें हम रोज़मर्रा की गिनती गिनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेसिमल। डेसी का मतलब होता है 10, लैटिन के अंदर डेसी का मतलब होता है 10। तो ये 10 यूनिक सिंबल, हेक्सा कहते हैं 15 को, शायद 16 को, पता नहीं। नहीं सर, हेक्सा बोलते हैं 6 को। हेक्सा डेसिमल 6 को कहते हैं सर, हेक्सा 6 को बोलते हैं, डेसी 10 को बोलते हैं। सही, अच्छा, तो हेक्सा का 16 हो गया। तो इसमें 16 यूनिक सिंबल है, 0 से लेके एफ तक 16 यूनिक सिंबल हो गए। ठीक है, एफ जो है वो 15 है ना, तो 1 से लेके 15 ये हो गया, 0 ये हो गया। तो 16 यूनिक सिंबल वाली गिनती को हम कहते हैं हेक्साडेसिमल। अच्छा, इसी तरह 2 यूनिक सिंबल वाली गिनती भी है, 3 यूनिक सिंबल वाली भी है, 4 वाली भी है, हम जो यूज़ करते हैं 10 वाली, 11, 12, 13, ये सारी गिनतियाँ अलग अलग। ठीक है, जिसमें से जो फेमस है वो 2-3 है, जैसे बाइनरी फेमस है, डेसिमल फेमस है, और ये हेक्साडेसिमल, ये 3 शायद सबसे फेमस है। लेकिन बेस 64 तक भी है, कि यार 64 यूनिक सिंबल वाली गिनती, वो भी अवेलेबल है मार्केट में, सॉफ्टवेयर लेवल पे वो मौजूद है। ठीक है, उसका भी बड़ा इस्तेमाल है। याद करता है कि इन चीज़ों को? नहीं, याद क्यों करेगा, अरे पता होना चाहिए यार। असल में ये प्रोसेसर का चक्कर है। नहीं नहीं, ये याद करने वाला चक्कर नहीं है यार, वो तो बचपन में याद इसलिए करवाते हैं ना कि भाई डेली का लेन देन आप करना है, आपने पैसे की ट्रेडिंग करनी है, तो उसमें आप जल्दी से आप कर लें वो। तो ये तो सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल होगा ना, सॉफ्टवेयर बनाते हुए तो आपको बकायदा सोचने का अच्छा खासा मौका मिलता है, प्लानिंग करने का मौका मिलता है, डॉक्यूमेंट बुक सारी आपके पास अवेलेबल होती है, तो वो आपने देख के करना है, दैट्स इट। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर हेक्साडेसिमल को आपको नहीं समझ आ रहा तो कन्वर्जन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ यार, मैं गूगल पे जाके लिखूंगा ना कि 7 का हेक्साडेसिमल में क्या मतलब होता है, पता चल जाएगा मुझे, दैट्स इतना पता होना काफ़ी है। ठीक है जी, तो आज की क्लास में हमने क्या देख लिया, कलर को अप्लाई करने का ये 3 मुख्तलिफ तरीक़े हैं, इनको एक्सप्लोर कर लिया हमने, इनको डिटेल से हमने पढ़ा। क्या था कलर नेम है 147 प्री डिफाइंड, हेक्स कोड है, हेक्स कोड में वही RGB है, इसमें भी वही RGB है। सबसे सही है जो आपको डिज़ाइनर बना के देगा वो रहेगा। ठीक है, नहीं डिज़ाइनर देता है ना बना के, कलर बना के देता है ना डिज़ाइनर भाई। हाँ, ये आपका काम थोड़ी है अभी, इंशाल्लाह बंदा खुद की क्रिएटिविटी, खुद की क्रिएटिविटी क्यों करेगा, पागल है क्या, खुद की क्रिएटिविटी क्यों करेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई, डेवलपर का काम होता है सिर्फ बनाना, असल काम होता है डिज़ाइनर का, वो डिज़ाइन बना के देता है। अच्छा, डेवलपर को अगर खुद बनानी है वेबसाइट, तो वो कभी भी डिज़ाइन खुद नहीं बनाता, वो फिर कोई टेम्पलेट उठाएगा, किसी ने इंटरनेट पर बना बनाया डिज़ाइन डाला वो उठाएगा, वो उसको उठा के डेवलप करेगा। ठीक है, खुद से अगर वो बैठ गया ना ये करना है, तो वो नहीं कर सकता कभी भी, डेवलपर का ये काम नहीं है डिज़ाइन करना। ठीक है, ये काम डिज़ाइनर का है। तो इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हम इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जी ये, तो मज़ीद कलर के बारे में जो बातें पढ़ेंगे तो ये हमें डिज़ाइनर चीज़ें भी पता चल जाएंगी। ठीक है जी, हम टेम्पलेट जो मैं कह रहा हूँ कि उठा के आप उसको बना लें, वो भी टेम्पलेट भी देखेंगे कि वो इंटरनेट पर कहाँ से उठा सकते हैं वैसा टेम्पलेट, और कैसे उसमें चेंजेस करके उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो भाई। सर डिज़ाइनर कौन सा बोलेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनर जो होता है? हाँ, डिज़ाइनर भी कौन होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, ये भी एक लंबी स्टोरी है। बताता नहीं है, वो डिज़ाइन का पूरा डॉक्यूमेंट आपको बना के आपके हाथ में दे देता है। अभी अभी तुम वो इतना दूर तक जोर नहीं डालो दिमाग में, अभी इंशाल्लाह ये हो जाएगा, डिस्कस होगा क्लास में, ये टेंशन नहीं लो।